अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहजाद टेक रिव्यू चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मेरे पास आईफोन 7 प्लस मौजूद है और यहाँ पे एक न्यू अपडेट मिल चुकी है iOS 15.7.6 के बाद। अभी यहाँ पे iOS 15.7.7 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट के अंदर चेकआउट करते हैं कि हमारे पास कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साइज़ वगैरह इस अपडेट का कितना देखने को मिल जाता है। चेक फॉर अपडेट के अंदर चल के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे iOS 15.7.7 की अपडेट 136 MB का साइज़ देखने मिल रहा है। इतनी बड़ी अपडेट नहीं है और रिकमेंडेबल है तमाम iOS यूज़र्स के लिए जो कि iOS 16 के ऊपर नहीं आ सके थे। इसके अलावा आप जो है इसको सिक्योरिटी अपडेट के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी आपकी डिवाइस की जो है इन्हेंस्ड हो जाएगी। तो चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अपडेट रिक्वेस्टेड होती है, उसके बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो इसको डाउनलोड कर लेगी। उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। आपके साथ सारा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर देता हूँ। इतनी बड़ी अपडेट साइज़ नहीं है तो ये जल्दी अपडेट होने वाली है और इसके बाद जो अपडेट रेडी होने में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन जैसे ही ये रेडी हो जाएगी उसके बाद इंस्टॉल करेंगे अपनी डिवाइस के अंदर और बताऊंगा कि आईफोन 7 प्लस के अंदर आपकी अपडेट जो है वो कितनी टाइम लगाती है रिक्वेस्ट होने के बाद और डाउनलोड होने के बाद जो टाइम होता है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस डिवाइस आईफोन 7 प्लस के हवाले से, बैटरी कैपेसिटी को चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास आईफोन 7 प्लस के अंदर कितनी बैटरी परसेंटेज है। बैटरी कैपेसिटी 75% है और अपडेट करने के बाद आपके साथ भी शेयर करूंगा कि कितनी ये रह जाती है। इतनी बड़ी अपडेट नहीं आ रही क्योंकि iOS 16 की अपडेट इसके अंदर नहीं आई थी आईफोन 7 प्लस के लिए। तो यहाँ पर जो है वो छोटी छोटी अपडेट्स आती रहती हैं। सिक्योरिटी के रिकमेंडेबल अपडेट्स होती हैं और आपकी जो डिवाइस है वो सिक्योरिटी के ऊपर लेटेस्ट सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है। मज़ीद थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह जो होती हैं वो डाल दी जाती हैं। डिवाइस थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाती है पहले से। तो रिकमेंडेबल है तमाम डिवाइसेस के लिए जिन डिवाइसेस के अंदर जो है वो iOS 16 की अपडेट नहीं आई थी। ओके जी, तो हमारे पास iOS 15.7.7 iPhone 7 प्लस के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे डिवाइस के अंदर और देखते हैं कि हमारी डिवाइस जो है इसको कितनी देर के अंदर इंस्टॉल करती है। इंस्टॉल और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरीफाइंग अपडेट आ जाती है। थोड़ी देर के अंदर अपडेट वेरीफाई होती है, उसके बाद आपको जो मोबाइल फ़ोन है वो 2 से 3 दफ़ा टर्न ऑफ होके टर्न ऑन हो सकता है। तो आपने वेट करना है आपकी जो अपडेट है वो कम्प्लीटली तौर पर आपके डिवाइस के अंदर अपडेट हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे iOS 15.7.7 की अपडेट iPhone 7 प्लस के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अपडेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट, iPhone 7 प्लस जो है iOS 15.7.7 के ऊपर आ चुका है। कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। अब पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपडेट का इस तरह नोटिफिकेशन मिला हो और उसके बाद आपकी जो डिवाइस होती है फ़ौरन से ऑन भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। आई थिंक थोड़ा हैंग हो रहा है फ़ोन अपडेट होने के बाद, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आने वाला है मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। खैर, तो सीरी का ऑप्शन आ रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हे सीरी इनटू योर फ़ोन, ओके इसको मैं चेक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आते हैं। बैक करके, बैक करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। खैर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे के क्या ऑप्शन आते हैं। वो सारे करते जाएंगे फिर देखते हैं क्या आखिर में क्या चीज़ें निकलती हैं। खैर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको भी कंटिन्यू और देखते हैं आगे क्या आता है जी। आस्क सीरी, अब यहाँ पे आप होम बटन से आस्क सीरी यानी सीरी से बात करके कुछ भी सर्च करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपके जो होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका है सीरी का ऑप्शन। तो ये एक न्यू अपडेट थी यहाँ पे इस अपडेट के अंदर। तो होम बटन को आप थोड़ा देर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सीरी का ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो आप बात कर सकते हैं और उसके बाद कुछ भी सर्च करना हो सीरी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि कितनी परसेंटेज रहती है इस अपडेट के बाद। और अपडेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, iOS 15.7.7 के ऊपर आ चुका है हमारे पास iPhone 7 प्लस। और बैटरी को हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कितनी बैटरी परसेंटेज रह चुकी है। ऑलमोस्ट अक्सर कम हो जाती है अपडेट के बाद, लेकिन यहाँ पे भी 75% ही बैटरी
परसेंटेज अभी तक बची है आईफोन 7 प्लस के अंदर। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मज़ीद कोई भी अपडेट नहीं आने वाला आईफोन 7 प्लस के अंदर, लेकिन जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।